कभी जेल में इंटरव्यू देकर, तो कभी सलमान खान को जान से मारने की खुली धमकी देकर, तो कभी सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम अक्सर सामने आता रहा। लेकिन नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA ने जो खुलासा किया है वो डराने वाला है। NIA की ओर से दाखिल चार्जशीट में बताया गया है कि बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट सिर्फ पंजाब राजस्थान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में फैला हुआ है और उसका सबसे बड़ा मददगार है कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़। आज तक से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में बिश्नोई गैंग में करीब 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हैं। गैंग में इन शूटर्स को सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से रिक्रूट किया जाता है। NIA ने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ और जांच के बाद यह खुलासा किया है कि साल 2019 से लेकर 2021 तक जेल में बंद लॉरेंस ने करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन के जरिए कमाए और फिर इन पैसों को हवाला के जरिए विदेश में बैठे अपने साथियों गोल्डी बराड़, काला राणा और मनीष भंडारी के पास भेज दिए। NIA की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि कभी सिर्फ पंजाब तक सीमित ये गैंग अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों में भी फैल चुका है। कभी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नाम का एक संगठन चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आतंक का एक नाम बन चुका है। पंजाब के फाजिलका के अबोहर के रहने वाले लॉरेंस के पिता लवींद्र कुमार पंजाब पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। उसके पास पुश्तैनी जमीन के नाम पर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। पढ़ाई के दौरान ही उसने अपना छात्र संगठन सोपू बनाया और उसके बैनर तले स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ा। उसके सामने चुनावी मैदान में उदय सह और डग का ग्रुप था, जिससे लॉरेंस बिश्नोई चुनाव हार गया। इस हार के बाद चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में फरवरी 2011 में एक दिन लॉरेंस और उसके विरोधी गुट का आमना सामना हो गया। इस दौरान लॉरेंस ने उदय सह के ग्रुप पर फायरिंग कर दी। ये पहली बार था जब लॉरेंस ने फायरिंग की थी, दूसरी तरफ से भी फायरिंग हुई। पुलिस ने जब केस दर्ज किया तो उसमें लॉरेंस का भी नाम था। ये वो पहला मुकदमा था जो लॉरेंस के नाम पर दर्ज हुआ था। इसके बाद से लेकर अब तक लॉरेंस पर करीब 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 30 मुकदमों में वो बरी हो चुका है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ की जेल में बंद है और उस पर आरोप है कि वो जेल में बैठकर अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में 700 शूटर हैं जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद हैं। वहीं सलमान खान को धमकी देने और साल 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में नाम आने के बाद से लॉरेंस बिश्नोई का नाम काफ़ी चर्चा में आ गया। खबर की शुरुआत में हमने लॉरेंस बिश्नोई के कनाडा में बैठे सबसे बड़े एक मददगार गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का जिक्र किया था। तो ये गोल्डी बराड़ आखिर है कौन, वो अब आपको बताते हैं। गोल्डी बराड़ का असली नाम है सतेंद्र सिंह। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब का रहने वाला गोल्डी जो है, उसका जन्म हुआ था साल 1994 में। साल 2017 में वो स्टूडेंट वीजा पर कनाडा गया और BA की पढ़ाई भी की, लेकिन अब वो A+ कैटेगरी का गैंगस्टर हो चुका है। वो लंबे समय से विदेश में रहते हुए अपने गैंग को ऑपरेट करता रहा है। बताया जाता है कि बिश्नोई के साथ मिलकर ही वो मर्डर, किडनैपिंग, वसूली जैसे अपराधों को अंजाम देता है। पंजाब में चलने वाले वसूली रैकेट में लॉरेंस बिश्नोई के साथ गोल्डी बराड़ भी बड़ा नाम है। गोल्डी बराड़ पर हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। गोल्डी पर पंजाब में कुल 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें 4 में वो बरी हो चुका है। कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया हुआ है। लॉरेंस, गोल्डी और उनके गैंग पर NIA के खुलासे चौंकाने वाले हैं। जेल में रहकर लॉरेंस इतना बड़ा सिंडिकेट आखिर कैसे चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में अब देखना ये अहम होगा कि उसका ये साम्राज्य खत्म करने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी रविराज ने। मेरा नाम है विकास वर्मा, देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।